हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा खास ड्रिंक जिसे हमारे देश में लोग लगभग 3000 साल से पीते आ रहे हैं, जिसे कहते हैं ठंडाई। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक होता है। आज हम घर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड प्योर ठंडाई बनाएंगे। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये बाउल ले लिया है। इसमें हम नट्स और कुछ स्पाइसेस का यूज करेंगे। सबसे पहले बादाम, काजू, ये है मगज के या तरबूज के वाटरमेलन सीड्स, सौंफ, पिस्ता, छोटी इलायची, पेपी सीड या पोस्त, एक चुटकी केसर, 1/4 कप ताजे गुलाब की पत्तियां। ठंडाई का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं काली मिर्च ले रही हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ये गरम पानी लिया है, उसमें भिगो देंगे। आपको लगेगा भी ये काली मिर्च डाली है तो कड़वा स्वाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उससे ही ठंडाई का स्वाद उभर के आएगा। ये मैंने खूब तेज गरम पानी में भिगोई है। अब मैं इसमें इसका ढक्कन लगा दिया। अब इसका आगे का प्रोसेस 5 घंटे बाद करेंगे। ठंडाई के मटेरियल को भिगाए हुए 5 घंटे हो गए हैं। आइए इसको चेक करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सब कुछ फूल गया है, बहुत अच्छे से भीग गया है सब कुछ। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, एक ये मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारा सामान ट्रांसफर कर देंगे। सब चीजों का एक फाइन पेस्ट बनाना है। ये देखिए ठंडाई का मिक्सचर मैंने इतना अच्छा पीस लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। ये देखिए आप भी इसका टेक्सचर देखने में लग रहा होगा आपको थोड़ा मोटा मोटा, लेकिन ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, छूने में बिल्कुल चिकना है। यहाँ देखिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी इसमें मैंने चीनी डाल दी है और पानी डाल दिया। अब हम चाशनी बनाएंगे। अभी डालेंगे केसर। ये देखिए मैंने बड़ी चुटकी केसर डाल दी है ताकि अच्छी सी फ्लेवर आए ठंडाई में इसका। अब इसको तेज आंच पे पकाएंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी तब जो हमने मिश्रण पीसा है वो मिला देंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, खूब अच्छे से बॉईल हो रहा है ये। अब गैस का फ्लेम धीमा करके हम इसमें ठंडाई का मिक्सचर डाल देंगे और चलाते भी आएंगे। सारा पेस्ट इसमें डाल दिया है, बड़ा सा बॉईल आए फिर हम इसको मीडियम आंच पे 15 मिनट तक पकाएंगे। ठंडाई के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी आपको, ठंडाई का ओरिजिन बनारस से है, यहीं से ये ऑल ओवर इंडिया में फेमस हुई है। बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल होली या शिवरात्रि में ही ठंडाई पी जाती है, पर ऐसा नहीं है। अभी तो लोग पूरी गर्मी इसका खूब यूज करते हैं, बहुत अच्छा समर ड्रिंक है। अभी इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। ये देखिए ठंडाई में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे। एक बात और बताना चाहूंगी, ठंडाई हमेशा बड़े बर्तन की कढ़ाई में पकाना चाहिए क्योंकि ये बाहर निकल सकती है, इसलिए। अब मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। ये देखिए इसको पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, काफी गाढ़ी सी हो गई है ये। इस टाइम पे इसमें 100 ml पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा सा गैस का फ्लेम बढ़ाया है मैंने, जैसे फिर से खोलने लगेगी बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको 7-8 मिनट तक और पकाएंगे। ठंडाई को फ्रिज में रखकर 2 महीने तक हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। ये देखिए ठंडाई हमारी अच्छे से बिल्कुल तैयार है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको फैन के नीचे कूल डाउन होने रख देंगे। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसको इस कांच की बोतल में मैं भर लूंगी। मैंने इसको कांच की बोतल में भर लिया है। अब मैं इसे ठंडा ठंडा सर्व करूंगी। ठंडाई बनाने के लिए इस ग्लास में मैं 3 चम्मच ठंडाई डालूंगी और इसमें 4 आइस क्यूब डाल दूंगी इसको ठंडा ठंडा बनाने के लिए। बिल्कुल ठंडा दूध डालेंगे इसमें, थोड़ा सा डाल के मैंने ऐसे मिक्स किया। अभी और डालेंगे, इसको भर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए मेरी ठंडाई बनकर बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्लोबल किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप भी बनाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी ठंडाई। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।